तो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस कनेक्टेड बाय द कार्ड पासिंग ओवर लाइट फ्रिक्शनलेस पुल ही ऑफ मास 5 kg, इफ द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, यहाँ देखना स्लाइडिंग हो रही है, तो स्लाइडिंग हो रही है तो यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक है और उसकी वैल्यू यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 मेंशन है, और टेंशन इन द कॉर्ड, टेंशन निकालना है फाइनल सोल्यूशन, हमारा फाइनल जो कंक्लूजन है हमें टेंशन चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का एनालिसिस करोगे तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उनको देखो। देखो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, अब मान लो ये पूरा सिस्टम ए एक्सलेशन से नीचे आ रहा है तो ये ए एक्सलेशन से इधर जा रहा होगा, ठीक है, तो इसमें इस ब्लॉक पे टेंशन टी इधर लगेगा और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इसको पीछे खींचेगा, ठीक है ना, और नॉर्मल इस पे 5 kg वाले पे ऊपर लगेगा और mg इस पे नीचे लगेगा, तो कुल मिला के इस वाले पे 4 फोर्स लग रहे हैं, और इस वाले पे जो है टेंशन टी नीचे लग रहा और ये mg नीचे लग रहा है जो कि 50 न्यूटन है, तो इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं और यही दोनों इसको नीचे ला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। तो फ्रिक्शन काइनेटिक की वैल्यू होती है म्यू काइनेटिक और यहाँ पे एग्जिस्टिंग नॉर्मल, तो म्यू काइनेटिक कितना है 0.5 और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू है mg, ध्यान रखना है 0.5 नॉर्मल, मास की वैल्यू यहाँ 5 लेना है और मल्टीप्लाइड बाई जी की 0.9.8 लेना है, ठीक है ना, तो यहाँ से 0.5 और यहाँ से 5 और 9.8, तो ये पूरा जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24.5 न्यूटन, यहाँ से सॉल्व कर लेना इसको, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक ना। तो अगर इतना यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन अवेलेबल है तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें टेंशन निकालना है। तो देखो तुम इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हो, मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हो, ऐसे प्रॉब्लम को एक लाइन में भी कर सकते हो, बट बहुत सारे बच्चे वो ट्रिक समझ नहीं पाते इसलिए मैं बेसिक से कर रहा हूँ। तो मेक द फ्री बॉडी डायग्राम एंड सॉल्व द क्वेश्चन, तो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया हूँ और पहले जो ब्लॉक बी है उसका FBD बनाता हूँ। तो ब्लॉक बी पे mg माइनस टेंशन दैट इज ma के बराबर होगा, तो इसके पास मास कितना है तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन माइनस टेंशन इक्वल टू 5a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ और अब मैं बी वाले का एक्सेलरेटेड इक्वेशन लिखता हूँ, वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, तो टेंशन माइनस बी वाले का अगर इक्वेशन लिखोगे तो टेंशन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन काइनेटिक बराबर होगा मास मल्टीप्लाइड बाई एक्शन, तो ट्रेक्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे तुम देखोगे तो वो ये जो 5 times a काइनेटिक फ्रिक्शन पहले निकाल दिया 24.5 और दैट इज 5 times a, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन यहाँ से देखूँ, ये फर्स्ट और टू, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो टेंशन यहाँ से गायब हो जाएगा, ए आ जाएगा, ऐड करोगे इनको तो ऐड करने के बाद तुम देखोगे कि टेंशन टेंशन कैंसिल हो रहा है, ये टेंशन को काट दे रहा है, और यहाँ से 25 में से 24 घटाओगे तो कितना यहाँ से बचेगा 26, और 26 तो ये ऐड करने के बाद आएगा 25.5 और इधर बचेगा 10a, तो यहाँ से जो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.5, यहाँ से 2.5 m/s² यहाँ एक्सलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमें चाहिए टेंशन बच्चों, तो इसमें से किसी में भी पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, तो मैं यहाँ से फर्स्ट यहाँ से पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, तो ये 50 माइनस टेंशन टी और 5 × 2.5, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 11 यहाँ से आ जाएगा और ये आ जाएगा 100, यहाँ से 125 होता है ना, 25 × 5 125, तो यहाँ से आ जाएगा 12.5, तो 50 − 12.5 दैट इज टेंशन टी, तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 37.5 आसपास, यहाँ ये वाली जो है ऑप्शन 37.5 37, हाँ अप्रॉक्सीमेटली राउंड अप करने पे तुम देख लेना इसको, 37 मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो मैच कर रहा है, तुम 36 पॉइंट ये वाला,
तो तुम कैलकुलेट कर लेना, प्रिसाइज लगभग यही मैच करेगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।